हेलो दोस्तों, शड़ी मोड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो देशों के बीच जो महत्वपूर्ण समानांतर रेखा था या जो अभी है उस बारे में देखने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या क्या नाम दिया गया है। यहाँ से PCS में भी क्वेश्चन आते हैं, दरोगा में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन बन सकता है, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में भी। तो ये शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है और जल्दी से मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो ये शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो जो मैकमोहन रेखा है ये किन देशों के बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में पड़ता है, भारत और चीन के बीच में। उस समय जब ये साइन किया गया था, शिमला कन्वेंशन साइन जब किया गया था 1914 में, तो उस समय वो आपको चीन का पार्ट नहीं था, वो तिब्बत था। उस समय तिब्बत था और इधर ब्रिटिश इंडिया थे, तो ये दोनों के बीच में शिमला कन्वेंशन साइन हुआ था 1914 में और मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। अभी जो ये जो है तिब्बत है, चूँकि आपका पड़ जाता है चीन का भाग, ठीक। और जो ये आपको भारत है, ये अब ब्रिटिश कॉलोनी तो रहा नहीं, तो भारत है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभी किसके बीच में है, तो चीन और भारत के बीच में है, ठीक। दूसरा है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? जो रेड क्लिफ रेखा है ये किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, ये आपको बताना है, ठीक। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच रेखा है? तो यहाँ पर ये पाकिस्तान और भारत के बीच में रेखा है, ठीक। पाकिस्तान और भारत के बीच में ये रेखा निर्धारण किया गया था और ये आपको प्रभावी हो चुका था 17 अगस्त 1947 से, ठीक। याद रखिएगा, जब हमारा आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके कुछ महीने पहले ही ये घोषणा हो चुका था कि भारत को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, ठीक, और पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया बनेगा, ठीक। लेकिन पाकिस्तान का भाग याद रखिएगा, पाकिस्तान उस समय एक ही पाकिस्तान नहीं था, उस समय पूर्वी पश्चिमी दोनों पाकिस्तान था। अभी जो बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और अभी जो पाकिस्तान स्थित है यहाँ पर ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक। जब ये आपको आज़ादी मिला था और रेडक्लिफ रेखा निर्धारित हुआ था, तो ये दोनों का ही निर्धारित हुआ था। लेकिन अभी जो ये पूर्वी पाकिस्तान है, 1971 का युद्ध जो हुआ था, ठीक, उसके बाद ये बांग्लादेश हो गया और ये पाकिस्तान बन चुका है, ठीक। तो अभी कोई पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान का कोई ये इसमें लेन देन नहीं है। तीसरा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? जो डुरंड रेखा है ये किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान देगा, ठीक। पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है और भारत देगा तो भारत भी लगा सकते हैं। इसके पीछे इतिहास यह है कि 1893 में निर्धारित हुआ था सफल, और ये जो रेखा है डुरंड रेखा, उस समय पाकिस्तान क्या था, तो भारत में ही था और उस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश एक तरफ थे और अफगानिस्तान के राजा थे, युद्ध भी हुआ था उसके पहले, और ये आपको रेखा निर्धारण किया गया 1893 में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, डुरंड रेखा दो देशों के बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। चौथा है हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा? जो हिडनबर्ग रेखा है यहाँ पर देखिएगा, ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है, ये यूरोपीय कंट्री है। देखिएगा कि प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बीच में बहुत से आपको यूरोप में सीमा रेखा निर्धारण किए गए थे, कुछ को खत्म कर दिया गया है लेकिन कुछ अभी भी प्रभावी है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है कि 24वीं डिग्री या आपको 24वीं डिग्री समानांतर देखा या 24वीं दे सकता है, ठीक, दोनों दे सकता है। तो 24 डिग्री समानांतर या 24वीं समानांतर, ये दोनों दे सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान और भारत के बीच है, लेकिन भारत इसको मानता नहीं है, भारत इसका पक्षधर नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा पाकिस्तान अपना हक जताता है कच्छ वाले क्षेत्र पर, गुजरात के, ठीक, रण के कच्छ, आप जानते हो गुजरात में स्थित है, और भारत इसको नहीं मानता है। अभी जो छेड़छाड़ भी कर रहा है अपने मैप में पाकिस्तान, तो उसको भी लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 24वीं समानांतर रेखा के बारे में। छः है कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? 49वीं समानांतर जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। तो 49वीं जो समानांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये दो बड़े देश स्थित हैं, अमेरिका और कनाडा, और इन्हीं के बीच में क्या है आपको 49वीं समानांतर रेखा है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे है, देखिए समानांतर रेखा या ये जो भी रेखा बोल रहे हैं ये मत समझिएगा कि जो अक्षांश रेखा ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं, अक्षांश रेखा ऐसे कर ऐसे जाता है, ठीक, ऐसे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो एकदम एक्यूरेट है उसका ही है, आगे पीछे भी है, ठीक, ऐसे बस उसका नाम इसलिए दे दिया गया है कि उससे समीप में ये आपको रेखा, मतलब इस रेखा के समीप में आपको बाउंड्री बना है, इसलिए नाम दे दिया है। 17वीं डिग्री या 17वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में है? 17वीं डिग्री या 17वीं अक्षांश रेखा जो है ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में था, याद अभी नहीं है, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के युद्ध था, फिर वियतनाम का युद्ध भी हुआ था बाद में, फिर वियतनाम का एकीकरण भी हुआ है, तो ये एकीकरण हो चुका है, ये पहले था 17वीं जो आपको डिग्री अक्षांश रेखा था ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में था, ठीक। 8वां है कि मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच में? देखिए यहाँ पर मैगिनोट जो रेखा है ये किन देशों के बीच में है? तो मैगिनोट जो रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में था, ये 1929 से लेकर 1938 के बीच में यहाँ पर निर्धारण इसका किया गया था, यही इसी बीच में था। आपको पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो प्रथम हुआ था 1914 से लेकर 1945
18 के बीच में हुआ था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, यहीं इसी बीच में आपको क्या हुआ था कि जर्मनी बहुत से ऐसे देश थे जिस पर अपना हक जताने लगा था और अपने आस पड़ोस में हिटलर के नेतृत्व में ये आक्रमण करने लगा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध में हानि भी हुआ था। नौवां देखिए कि अंडरनेस रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है। अंडरनेस जो रेखा है, या अंडरनेस ये बोला जाता है, अंडरनेस जो रेखा है ये किन देशों के बीच रेखा है, तो ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में रेखा था, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, ये याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन है कि मेडिसन रेखा किन देशों के बीच में है, जो मेडिसन रेखा है ये आपको वहीं अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा, मेडिसन रेखा। मैनहरिम देखिए, ये मैनहरिम रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है, जो मैनहरिम सीमा रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है, तो एक रूस है, रूस जो है ये आपको विश्व का सबसे बड़ा देश मिलेगा क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से चाइना पड़ जाता है, और एक फिनलैंड है, इन दोनों के बीच में मैनहरिम रेखा पड़ता है। सिगफ्रिड रेखा किन देशों के बीच में है, सिगफ्रिड रेखा जो है, या सिगफायर भी बोला जाता है इसे, सिगफ्रिड रेखा किन देशों के बीच में है, ठीक, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी और फ्रांस। ठीक, 38वीं डिग्री समानांतर रेखा या 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो देश है यह है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया न्यूज़ में भी रहता है, तो ये जो है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को जो निर्धारण करता है यह 38वीं डिग्री समानांतर रेखा करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 20वीं डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है, 20 डिग्री जो है या समानांतर रेखा या 20वीं डिग्री समानांतर रेखा जो है ये लीबिया और सूडान के बीच में पड़ता है, लीबिया और सूडान, यह भी याद रखिएगा। एलओसी लाइन का बार बार न्यूज़ में हम लोग नाम सुनते हैं और एलएसी का नाम सुनते हैं, और एक काला पानी, काला पानी का विवाद जो है ये भारत नेपाल के बीच में चलता है, ठीक, एक नदी वाला क्षेत्र वाला पोर्शन है उसके लेकर, और यहाँ पर आप देखिएगा कि काली नदी है वही काला पानी बोला जाता है वहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए एलओसी का जो प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ यहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अभी सीमा का निर्धारण है, ठीक, यहीं पर सीज फायर होता है, उल्लंघन होता है उसका। ठीक, एलएसी जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक, ये जो है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था हमने करा दिया। ठीक, तो ये सब देख लीजिएगा और इसे बार बार देखिएगा, दो तीन बार तो आपको ये याद हो जाएगा, ये चिंता मत कीजिएगा। ठीक, छोटा वीडियो था, मैंने सोचा जल्दी से रिवीजन करा दूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मेरा डाउट हो कौन कुछ लिख सकते हैं, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।